सो so, इस वीडियो में हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च का ही एक वेरिएंट जिसका नाम है डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम अब देखो जो डेप्थ फर्स्ट सर्च थी या डी था उसमें एक प्रॉब्लम थी जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप या फिर इनफाइनाइट पाथ उसमें क्या होता है कि अगर आप एक डायरेक्शन में सर्च कर रहे हो और वह उसमें नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज़्यादा है इनफाइनाइट है तो आप उस लूप में फंस जाओगे और वहाँ से कभी भी आप दूसरी डायरेक्शन में सर्च नहीं कर पाओगे सो so, ये एक प्रॉब्लम होती है डीएफएस में अब इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक डायरेक्शन में जाने की लिमिट लगा, लगा देते हैं या डेप्थ की लिमिट लगा देते हैं सो उसको हम बोलते हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम सो द वर्किंग इज सिमिलर टू डी बट विद Limit. So, से देखेंगे पूरा कैसे होता है एंड इट हेल्प इन द प्रॉब्लम ऑफ डी एफ एस जो प्रॉब्लम थी इनफाइना so, टर्मिनेशन क्या है कब आप इस एल्गो को टर्मिनेट करोगे जरूरी नहीं है कि इस एल्गो में आपको सोल्यूशन मिले ही तभी टर्मिनेशन हो यह पार्ट इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है सो so, पहला टर्मिनेशन की वैल्यू कैम फेलियर वैल्यू टर्मिनेशन की कंडीशन है फेलियर वैल्यू इसका मतलब है कि प्रोग्राम का या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है सो देर इज नो सॉल्यूशन तो पहला फेलियर कब होगा जब आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है सो दैट इज अ नॉर्मल थिंग कि अगर आप पता ही नहीं है कि उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है तो फेलियर ही होना है सेकेंड इंपॉर्टेंट है कट ऑफ फेलियर अब कट ऑफ फेलियर क्या है टर्मिनेट्स ऑन रीचिंग Depth. ये जो प्री डिटर है यही इसकी कट ऑफ वैल्यू है अगर depth के जाने के बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता चाहे वो सॉल्यूशन प्रेजेंट है बट उस डेप्थ तक सॉल्यूशन नहीं मिलता तब भी एल को आपका टर्मिनेट हो जाएगा सो दिस इज इंपॉर्टेंट कट ऑफ फेलियर जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका टर्मिनेशन कंडीशन का अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एक बार सबसे पहला एडवांटेज तो देखो अब आप इसको डेप्थ आपको पता है तो मेमोरी एफिशिएंट हो गया कम मेमोरी चाहिए इसको सो इट इज़ मेमोरी एफिशिएंट और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं पहला डिसएडवांटेज यही है कि हो सकता है कि सॉल्यूशन है बट उस को पाए बिना अचीव किए बिना ही ये टर्मिनेट हो जाए सो कैन बी टर्मिनेटेड दाउट फाइंडिंग सोल्यूशन और इस चीज को बोलते हैं इनकम्प्लीटनेस एंड सेकेंड इज इट इज नॉट ऑप्टिमल जरूरी नहीं है कि यह आपको बेस्ट रिजल्ट देगा सो इट इज नॉट ऑप्टिमल सो एग्जाम्पल को देखने से पहले इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं सो so, जैसे कि डी के टाइम पे आपने देखा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है सेम इसकी भी वही होती है सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में यूजफुल होती है सीधा सीधा पूछ लेते हैं सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सेम है दैट इज़ बी टू पावर डी बी इज़ ब्रांचिंग फैक्टर डी इज़ डेप्थ और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का मल्टीप्लीकेशन है बी इंग टू डी तो ये तो हो गई थियोरिटिकल बात आप देखते हैं इसका एक एग्ज़ाम्पल सो सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं इसमें सो एग्ज़ाम्पल इज लाइक दिस अगर एक नोड है लेटेस्ट से एक्स एब पहले हम पूरा क्वेश्चन बना लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है सो लेट अस से ये हमें दिया हुआ था और इसमें स्टार्टिंग नोड कौन सी है स्टार्टिंग नोड है एक्स दिस इज द स्टार्टिंग नोड और करंटली मैं गोल नोड जे को मान के चल रहा हूं सो दिस इज गोल नोड अब होगा क्या पहले तो आप इसमें बता दो कि लेवल कौन कौन से होते हैं सो दिस इज लेवल जीरो लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री तो दैट मीन्स ये डेप्थ हमें यहाँ पे गिवन है अब हम अगर प्री डिटरमाइंड डेप्थ लेके चल रहे हैं इस केस में कि हम मैक्सिमम डेप्थ या डी टू तक ही जाएंगे डैट मीन्स हम सिर्फ यहाँ तक जाएंगे इसके नीचे की इनको हम विजिट नहीं करेंगे सीधी सी बात ये है इसमें कैसे करेंगे ट्रेड देखो सिंपल है मैं आपको सीधा ग्राफ में बताता हूँ डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे करता है पहले एक्स को विजिट करेंगे एक्स के बाद ए के पास जाएंगे देन सी के पास अब यहाँ पे लेवल टू तक पहुँच गए इसके नीचे नहीं जाएंगे सो बैक ट्रैक करेंगे उसका दिखा पे जाएंगे डी के पास देन अगेन नीचे नहीं जाएंगे बैक ट्रैक करते तक जाएंगे बी के पास देन आई के पास एंड फाइनली जे के पास तो पाथ कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा ये या आप लिख सकते हो एक्स टू ए टू सी सी टू डी डी टू बी बी टू आई एंड आई टू जे सो दिस विल बी पाथ ठीक है सो इस तरह से ये काम करता है अब इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता सपोज क्वेश्चन होता है कि हमारी गोल नोड एच है बट क्योंकि हमें डेप्थ डी दे रखी है सो दिस टाइम और दिस डेप्थ विल रिजल्ट इन नो सॉल्यूशन। मतलब ये जो हम कह रहे थे ये वाली चीज ये वाली चीज इसमें एप्लीकेबल होगी और आपका प्रोग्राम कट ऑफ फेलियर के कारण टर्मिनेट हो जाएगा सो दिस इज हाउ दिस डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम वर्क्स So thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.